दोस्तों तो कैसे आप लोग, मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो यहां पर WCC2 गेम के अंदर एक न्यू अपडेट लॉन्च हो चुका है। काफ़ी अच्छा अपडेट है, न्यू फीचर आपको देखने को मिले इस अपडेट के अंदर। सारा फुल रिव्यू करने वाले क्या फीचर आए हैं, क्या फीचर नहीं आए हैं एंड क्या यहाँ पर गेम प्ले के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो मन तक बने रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते आज के इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैंने इस गेम को अपडेट करके भी रख लिया आपके सामने। सबसे पहले वर्ड्स न्यू के अंदर चल के देखे तो इन्होंने यहाँ पर ऐड किया माइनर ऑप्टिमाइजेशन एंड बग फिक्सेज, यानी कि जो भी गेम के अंदर बग्स आ रहे थे वो इन्होंने फिक्स किया है। उसके बाद जो माइनर ऑप्टिमाइजेशन यानी कि गेम प्ले के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, वो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, वो आगे चल के आपको दिखा देते। जो भी गेम लैग वगैरह हो रहा था या फिर साइन इन वगैरह करने में, लॉग इन वगैरह करने में इशू हो रहे थे वो सारे सॉल्व कर देंगे। उसके बाद नीचे चल के देखे तो इसका वर्जन है 3.0.2 एंड ये जो अपडेट आपको 24 मई 2022 को देखने को मिला है। चलिए यहाँ से मैं गेम को ओपन कर लेता हूँ, साथ में और भी अच्छे अच्छे फीचर आपको गेम प्ले के अंदर देखने को मिले, गेम प्ले के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और ग्राफिक के अंदर भी अच्छे अच्छे यहाँ पर चेंजेस वगैरह देखने को मिले। तो चलिए यहाँ से मैं गेम को डायरेक्ट जो वो ओपन कर लेता हूँ। मैंने गेम को ओपन कर लिया, सबसे पहले होम इंटरफेस के अंदर कोई भी चेंज वगैरह देखने को नहीं मिला। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा चलते हैं क्विक प्ले के अंदर। उसके बाद यहाँ से टीम वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से मैं टीम वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया और साउथ अफ्रीका के यहाँ पर मैच सिलेक्ट कर लेते हैं, 20 ओवर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सारा कुछ यहाँ से मैं सिलेक्ट वगैरह करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जर्सी कस्टमाइजेशन ये तो पहले से था, उसके बाद ये सारे फीचर वैसे के वैसे जो पहले से थे। स्टेडियम वगैरह में कोई चेंज वगैरह देखने को नहीं मिला, यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्क्वेड वगैरह नजर आ जाती है, वही स्क्वेड जो इससे पहले थी वही नजर आ जाती है। उसके बाद कमेंट्री वगैरह यहाँ पर ऑप्शन करने सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से मैं डायरेक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ से सारा कुछ स्किप कर देता हूँ और चलते हैं गेम प्ले के अंदर। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कोई चेंज वगैरह देखने को नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पर टॉस के एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी चेंज वगैरह देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर स्टेडियम के जहाँ पर पीछे बोर्ड होते हैं तो वहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑडियंस के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज वगैरह मुझे लग रहा है कि ऑडियंस के अंदर इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर ऑडियंस के ऊपर थोड़ा काम इन्होंने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि ऑडियंस के अंदर थोड़ा बहुत चेंज मुझे तो लग रहा है, बाकी आपको यहाँ पर क्या लगता है? गेम प्ले वैसा का वैसे है जैसे पहले से था एंड ग्राफिक के अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। ब्राइटनेस को यहाँ पर थोड़ा सा अप किया गया, उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया। उसके बाद गेम प्ले के अंदर अभी तो कुछ भी चेंज वगैरह देखने को नहीं मिला, सिंपली वही गेम प्ले जो पिछले अपडेट का था। एंड ग्राफिक के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर सैचुरेशन वगैरह ब्राइटनेस वगैरह इन्होंने थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। उसके बाद जो स्टेडियम के पीछे की तरफ ऑडियंस है उसको यहाँ पर थोड़ा सा लाइट डाल दी, यानी कि ऑडियंस अब काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। इससे पहले से थोड़ा यहाँ पर एक यहाँ पर जो ऑडियंस थी वो अच्छे तरीके से नजर नहीं आती थी, लेकिन इस अपडेट को करने के बाद आपकी जो ऑडियंस वगैरह वो काफ़ी अच्छे तरीके से नजर आ रही है। एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो भी लैग वगैरह हो रहा था गेम अभी आपके सामने बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले चल रहा है विदाउट लैग। यहाँ पर हाई ग्राफिक के ऊपर मैं खेल रहा हूँ, विद हाई ग्राफिक सेटिंग के ऊपर मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और विदाउट लैग आपके सामने गेम चल रहा है। यहाँ पर ये तो हो गया कि यहाँ पर इन्होंने लैग फिक्स कर दिया, साथ में जो भी गेम के अंदर बग्स आ रहे थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं। ये कमाल के यहाँ पर डाइविंग एफर्ट यहाँ पर कमाल की डाइविंग एफर्ट के चलते यहाँ पर बाउंड्री सेव किया। उसके बाद यहाँ पर गेम प्ले के अंदर कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला, वही सिंपली जैसा गेम प्ले पहले था वैसा इस अपडेट के अंदर दिया है। इसके अलावा ज़्यादा फीचर देखने को नहीं मिला है यहाँ पर इसके अलावा ज़्यादा फीचर देखने को नहीं मिला। यही एक छोटा सा अपडेट था कि यहाँ पर इन्होंने जो भी गेम के अंदर ऑप्टिमाइजेशन है उसको यहाँ पर जो भी गेम लैग वगैरह हो रहा था उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दिया, गेम को ऑप्टिमाइज कर दिया, गेम प्ले को ऑप्टिमाइज कर दिया इन्होंने। एंड इसके अलावा ज़्यादा फीचर देखने को नहीं मिले। तो आज की इस वीडियो गेम पर खत्म कर लेते हैं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा अच्छा लगे मार देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।